गुमला में एक तरफा प्यार में वारदात की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक सनकी प्रेमी के द्वारा प्रेमिका के परिजनों को धारदार हथियार से मारकर किया घायल। प्रेमिका सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल, 5 की स्थिति नाजुक रिम्स में रेफर हो गए हैं। ये मामला सदर थाना क्षेत्र चंडाली गांव के पुलिस लाइन के समीप घटित है। प्रेमी सीआरपीएफ के जवान है जो जम्मू कश्मीर में पदस्थापित बताया जा रहा है। उसका नाम नरेंद्र करकट्टा है तथा विवाहित है, मगर गुमला में एक लड़की रुबीना कुमारी से पिछले 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। रुबीना के परिजनों ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान द्वारा एक तरफा प्यार किया करता है। रुबीना कुमारी से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग में प्रेमी सीआरपीएफ के जवान नरेंद्र करकट्टा द्वारा बात किया जाता रहा है एवं अश्लील वीडियो बनाकर अपने कैंप के दोस्तों साथ शेयर करता रहा है। इसका विरोध रुबीना कुमारी द्वारा किया गया, मगर नरेंद्र करकट्टा द्वारा ऐसा करना नहीं छोड़ा। तब जाकर रुबीना के परिजन ने बुधवार को रात्रि नरेंद्र को समझाने के लिए गुमला स्थित उसके किराए के मकान पर गए, जहां सनकी प्रेमी सीआरपीएफ के जवान ने धारदार हथियार भुजारी से वार कर दिया, जिसमें प्रेमिका सहित प्रेमिका के परिवार के 9 लोग घायल हो गए। सभी घायल को सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया। घायलों में प्रेमिका रुबीना कुमारी उम्र 20 वर्ष, उसके पिता मनीष लोहरा उम्र 55 वर्ष, उसकी मां सुमरी देवी उम्र 50 वर्ष, बहन वीना कुमारी उम्र 22 वर्ष के अलावे रूबी देवी उम्र 22 वर्ष, अजय लोहरा उम्र 28 वर्ष, अनिमा कुमारी उम्र 18 वर्ष, असीमित करकट्टा उम्र 4 वर्ष एवं 3 वर्षीय बच्ची पूर्वी कुमारी शामिल है। स्थिति नाजुक रहने के कारण प्रेमिका रुबीना कुमारी उम्र 20 वर्ष, पिता मनीष लोहरा उम्र 55 वर्ष, माता सुमरी देवी उम्र 50 वर्ष, अजय लोहरा उम्र 28 वर्ष व एक अन्य को सदर अस्पताल गुमला से बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस संबंध रुबीना के परिजन ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान नरेंद्र क्रिकेटर द्वारा जबरन एक तरफा प्यार कर रुबीना के अश्लील वीडियो बनाकर कैंप के अन्य साथियों के साथ शेयर कर देता था। विरोध करने पर भी नहीं मानता था। इसी को समझाने के उद्देश्य से हम लोग उसके घर गए थे। इसी दौरान भुजाली निकाल कर घायल कर दिया। इधर चिकित्सक ने बताया कि स्थिति नाजुक रहने के कारण घायल कुछ लोगों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। इधर गुमला के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि ये मामला पारिवारिक विवाद का है, क्योंकि दोनों के बीच 4-5 वर्षों से संबंध है। पूरी मामले की जांच की जा रही है। हमलावर सीआरपीएफ के जवान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याद हो कि इन क्षेत्रों में टुकू विवाह का प्रचलन है, जिसका अर्थ है कि विधिवत शादी के पूर्व एक साथ महिला पुरुष रहते हैं, बाद में सामाजिक रीति रिवाज से शादी की प्रचलन है। सीआरपीएफ के जवान नरेंद्र करकट्टा का शादी पूर्व में अंजू देवी के साथ विधिवत हो चुका है, जो लसिया डुमरी में रहता है। इस घटना के बाद सदर अस्पताल व घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। इधर सदर अस्पताल में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण घायलों को इलाज कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घटना जिस प्रकार घटी है, ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों के बीच में जो भी होता है अपना अच्छा से रहो, फिर वहां से निकले, उसके बाद में पीछे से तलवार पकड़ के मारा सबको, दौड़ा दौड़ा। उसकी पत्नी सीआरपीएफ, उनकी क्या पत्नी का क्या नाम है? उनकी पत्नी उतने कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये पहले शादी कर चुका था पहले? हाँ। तभी इसका क्या नाम था अभी? रुबीना। रुबीना कितना दिनों से उसके साथ में रहती थी? अभी तो ढेर दिन हो गए, 4 साल से। तो क्या इसका मैंने किसी फोटो वोटो शेयर करता था सब जगह? हाँ, गंदा गंदा फोटो शेयर करता था, अपना कैंप में भी शेयर किया था, तो उसका दोस्त लोग भेज दिए थे इसके पास, तो वही देखी तो बोली कैसा काहे कर रहे हो। वही इसका विरोध की थी ना? हाँ। बात यही, इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ था। यही बात करके लड़ाई झगड़ा, बस हम लोग समझाने गए थे, समझा के निकल रहे थे। अच्छा, समझाने कहाँ गए थे आप लोग? मतलब हम लोग का रूम से, उसके बाद में इसकी छोटी मौसी है, उसका पेपर ऊपर जितना डॉक्यूमेंट था सबको रात में 11 बजे आके पापा को गला वाला दबा के धम क्यों की दे के निकाल के ले गए, सब कपड़ा ले गए है उसका। अच्छा, आप लोग अभी कहाँ पे रह रहे थे अभी फिलहाल?
हम तो मालूम चंदाली में रह रही थी। किराए पे रहती है, रेंट में? मालूम किराए में रहती है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम लक्ष्मण नगर। अच्छा, आपका क्या नाम है? दिल्ली है, और पति पत्नी का झगड़ा था, जो यहाँ ढूकू पर था है, ढूकू के नाम पे 5 साल से रहती थी। उसी पति पत्नी के झगड़ा को सलटाने के लिए दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए थे, और उसी में विवाद हो गया। इसी में जो है लड़का पक्ष, जो कि जॉब में भी है, उसके द्वारा कुछ आदमी को मार के घायल कर दिया गया है, और उसका बेहतर इलाज के लिए लाया गया है हॉस्पिटल। कुछ आदमी को, एक दो आदमी को ज़्यादा लगाए, जिसको के रेफर किया जा रहा है। सर, अभी पुलिस अभी इस मामले पर क्या कार्रवाई करेगी? सर, उस लड़के के ऊपर कार्रवाई होगी जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। भले ही पारिवारिक मामला है, पति पत्नी का है, लेकिन किसी को मारने का अधिकार तो किसी को नहीं है। थैंक यू। ये है सर, वो ये सब एक्चुअली मेमोरेंट है कि पुराना लोग का जो विवाद है, पहले शादी विवाह किया, फिर जो कि दोबारा जो जो क्या बोलते हैं एग्रीमेंट शादी किया, इसके साथ में जो शादी समझ नहीं होने के कारण ही ज़बरदस्ती जो कर रहा है, इसके कारण इसके साथ में नहीं रहता है, नौकरी पे जाता है। नौकरी पे जाके ये महीना में सप्ताही दिन भी नहीं रहता है यार, छुट्टी लेके आता है और घर में आके मारने पीटने का धमकी देता है, मेरे साथ में शादी करो, मैं करने के बाद उसको जान से मारने का धमकी देने का यही बात करता है। उसके बाद फिर उसके बाद तो इसका यही एक खुलासा, बस वही बात दिल में रटल है, मेरा जान भी जाएगा फिर भी हम तुमको रखेंगे तो रखेंगे बोल के फिर आज जाके अपना असलियत अपना दिखा दिया। एक दिन पूर्व में भी मारपीट किया था? हाँ, ये कल पिछले रात में 8-10 लड़का के साथ में किया था, कोई सामान वामान के साथ में लेके, उसमें SRPF का जवान रहते हुए भी जो देहात के आदमी रहते हैं उसी के साथ पिला खिला के ले गया या कुछ भी है, लेकिन हम लोग जो फौज के जवान या जिला के जवान जो भी हैं प्रशासनिक तौर से उसको हम लोग पहचानते हैं, लेकिन उस नज़र में उन लोग नहीं आए, लोग पीता खाता नज़र में आए, उसके 8-10 दस्तावेज जो भी थे, लेकिन हथियार के नज़र में नहीं आए, लेकिन मारने का धमकी देके अकेला से ससुर जी थे उसको दरा धमका के स्कूटी जो था ताला तोड़ के जो गहना गोरा जो भी कपड़ा का लता जो था और स्कूल का जितने डॉक्यूमेंट था बच्चे लोग का 3-4 जो मेरा साला साली है उन लोगों का जितना डॉक्यूमेंट्स को उठा के ले गया। अभी जो मारपीट हुई है, अभी जो मुद्दा को क्या क्या कहेंगे? अभी जो मारपीट, अभी जो घटना हुई है और किस हथियार से हमला किया गया? ये कारण वही समझिए कि जो उनको शादी करने का विचार था उसको नहीं करने के कारण इन लोग हाँ नहीं खुशी राजी में ये लेके अंजाम कर रहा है। अपना ये करने से पहले ही बोल रहा था कि मारने पीटने का धमकी देते ही आ रहा था कि देखेंगे जो भी है तुम्हारा आदमी क्या है क्या नहीं है, हमको नौकरी छोड़ना पड़े या कुछ भी करें, लेकिन तुमको शादी करेंगे या तो पूरा तुम्हारा गांव घर दुनिया को सबको ख़त्म करेंगे। मैंने ये धमकी देता है? धमकी देता था। अभी किस हथियार से हमला किया ये? ये तो अभी तो धारदार हथियार से ही किया गया, वो तो आपके सामने प्रूफ दिख रहा है, बल्कि वो गोली बारूद का तो वहाँ पर नमूना नहीं निकला, लेकिन था होगा फिर भी नहीं। तेज धार हथियार से हमला किया? जी सर। और वो जो किस जगह में अभी पोस्टेड है अभी CRPF का जवान? वो अभी तो शायद हजारीबाग में था, फिर अभी शायद जम्मू कश्मीर में उसका पोस्टिंग है। आपका क्या नाम है? मेरा संजय क्रिकेटर है। कैसे नहीं, अभी कितने लोग इंजर्ड हैं और उनकी बेहतर इलाज के लिए क्या किया जा रहा है? सर, 7 लोग इंजर्ड हैं, फर्स्ट एड कर दिया गया है, 4 को रिफर कर दिया गया है। अभी पेशेंट की हालत सर क्या हो जा रही है? 3 की हालत नाजुक। 3 की हालत नाजुक। सर।